दोस्तों, इस पार्ट में हम सीड कैपिटल असिस्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे सर ध्यान से समझना। सर ये कहता है कि जैसे आपको कोई बिजनेस चलाने के लिए 100 करोड़ की जरूरत है। कितने की जरूरत है सर? 100 करोड़ की। तो वेंचर कैपिटल कहता है कि सर ऐसा है कि आपका बिजनेस प्लान तो बहुत अच्छा है और हम इसमें 70 to 80 करोड़ तक लगा देंगे, लेकिन सर आप इसके प्रमोटर हो, आप इसके मालिक हो, तो एटलीस्ट कुछ आप भी तो अपने जेब से लाओ ना सर, अपने घर से लाओ, सारे हम थोड़ी ना लगाएंगे। तो सर सीड कैपिटल का मतलब क्या होता है? सीड होता है सर बीज। बीज होता है सर अंकुरण करने के लिए, किसी भी चीज़ की ग्रोथ करने के लिए सीड डालना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। जैसे आम का पेड़ उगाने के लिए बीज डालना पड़ता है तो आम का पेड़ होता है। तो वैसे सर किसी की बिजनेस की स्टार्टिंग करने के लिए आप जो मेन लीड हीरो हैं सर, आप लोग को भी कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। दैट इज सीड कैपिटल असिस्टेंस। सर एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। द सीड कैपिटल असिस्टेंट हैज़ बीन डिजाइन बाय IDBI फॉर प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। किसके द्वारा सर डिजाइन किया गया है? प्रोफेशनली एंड टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर्स। इन्हें सर डिजाइन क्या है, मतलब इन लोगों ने इसका मतलब बताया है। ऑल द प्रोजेक्ट्स एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम IDBI डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू रेफिनेंस एंड रीफाइनेंस। सर क्या है? थ्रू रीफाइनेंस आर एलिजिबल अंडर द स्कीम। मतलब सारे जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में जो स्कीम होती हैं रीफाइनेंस वाली एलिजिबल होती हैं, लेकिन द प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड मैक्सिमम असिस्टेंस अंडर द प्रोजेक्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50%। तो सर जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। द मैक्सिमम असिस्टेंस अंडर द प्रोजेक्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 50%, और जो मैक्सिमम असिस्टेंस है मतलब जो मदद की जा रही है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑफ द रिक्वायर्ड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूट और 50 लाख विच एवर इज लोअर, यानी कम से कम 15 लाख लगाओ या फिर जितने पैसे लग रहे हैं उसका 50%, विच एवर इज लोअर होगा, वो कम से कम एक प्रमोटर को लगाने पड़ेंगे। मतलब जितना भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका 50% या 15 लाख, विच एवर इज लोअर, आपको लगाने पड़ेंगे। द सीड कैपिटल असिस्टेंस इज इंटरेस्ट फ्री बट कैरीज अ सिक्योरिटी चार्ज। मतलब ये इंटरेस्ट फ्री तो होता है बट इस पे सिक्योरिटी चार्जेस कुछ देने पड़ते हैं, और 1% पर एनम फॉर फर्स्ट 5 ईयर एंड इंक्रीजिंग रेट देयर आफ्टर। मतलब 5 सालों तक तो आपको 1-1% इसको आपको सिक्योरिटी चार्ज मिलेगा इसके ऊपर, और उसके बाद आप इस रेट को बढ़ा सकते हो। ठीक है सर, 5 साल तक इतना कम क्यों है सर? और क्योंकि शुरुआत में कंपनी प्रॉफिट ही कम कमाएगी, इसलिए सर 1% रखा गया है। और सर GDR EDR का टॉपिक मैंने वीडियो नंबर 1 और 2 में बना रखा है, तो आप सर वहां से देख सकते हैं। बाकी सर मैं नेक्स्ट 3 to 4 पार्ट में ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 था 100% स्टडी मटेरियल से कवर करवाने वाला हूँ। तो सर प्लीज़ सीरियस होके पढ़ना। आपने लॉ के अंदर भूल की थी, मुझे 100% फॉलो नहीं किया था, इसलिए सर एथिक्स कम्युनिकेशन आपको बचा नहीं पाया। लेकिन इस बार सर cos FM में मेरी थ्योरी को 100% कवर करके जाना, ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और सर जो लिस्ट दी है क्वेश्चन लिस्ट की सर वो 100% करना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।